पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला पानीपत की इजराना अनाज मंडी का है, जहां एक राज्य स्तरीय कुश्ती पहलवान की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। वारदात के दिन कुलदीप घरवालों को बाजार जाने तक की बात कहकर बाइक लेकर निकला था और उसके बाद वो घर नहीं लौटा। देर रात अचानक अनाज मंडी से गांव के ही कुछ युवक दौड़ते हुए कुलदीप के घर आए और बताया कि कुलदीप का शव अनाज मंडी में पड़ा है। मंगलवार को ही कुलदीप उर्फ दीपा गोमुख से कावड़ लेकर आया था। मामला का पता नहीं, लड़ाई झगड़ा जी गाली गलौज हुई थी आपस में जी उनकी, गाली गलौज होने के चक्कर में उन्होंने फोन करा, उन्होंने बुलाते ही चला गया, उन्होंने जन्म दिया उसके साथ कर लिया। कल शाम को कुलदीप उर्फ दीपा इसराने का रहने वाला, ये सब्जी मंडी इसराने में खड़ा था और वहाँ पर दो तीन मोटरसाइकिल पर आए और उसके पीछे दिल्ली के पास में पीछे से चप्पू मारे कुमार, जिसको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया और फिर उसकी मौत हो गई। फिलहाल हत्यारों और हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कुलदीप राज्य स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में कई मेडल जीत चुका था। कुलदीप के परिजनों के बयानों पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो जल्द ही आरोपी उनके गिरफ्त में होंगे। R9 TV के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट।